नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो जोधपुर में, और जोधपुर में आप सबसे सस्ते में कहाँ रुक सकते हैं उसके ऊपर आज पूरी जानकारी दी जाएगी। पूरा वीडियो देखिए। अभी आपके सामने जो व्यू है, ये पावटा चौराहा और ये सामने आपके जोधपुर का किला, और ये पूरा व्यू यहाँ का। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये किसान भवन है जो जोधपुर में पावटा चौराहे के ऊपर ही है, और यहाँ आप सिर्फ 80 रुपये में आपको एक बेड मिल सकता है रुकने के लिए। इससे सस्ता मैं समझता हूँ यहाँ मिलना पॉसिबल नहीं है, और आपको मैं दिखा देता हूँ। आइए, ये यहाँ पर बेड है, ये डॉर्मेट्री टाइप के बेड, ये थर्ड फ्लोर पे। अभी हमें ऐसे ही हर फ्लोर पे आपको ये बेड मिल जाते हैं। और ये यहाँ का व्यू पावटा चौराहा का। अभी मैं आपको रूम दिखाता हूँ। ये रूम है। अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको सेपरेट रूम मिल जाता है, डबल बेड है, एसी लगा हुआ है, पंखा वगैरह सब यहाँ पर है, और ये यहाँ आपको बालकनी मिल जाती है पीछे, और ये अटैच आपको वॉशरूम मिल जाता है। अटैच वॉशरूम के साथ में आपको ये रूम 700 प्लस जीएसटी आपको ये रूम मिलता है, जो आपको सेपरेट मिलता है। इसमें अलमारा भी है बड़ा, देखिए आप, और ये ड्रेसिंग का आपका है हिसाब किताब। और मेन यहाँ पर एसी है जिसका ज़्यादा चार्ज हो रहा है। ऐसा ही सेम रूम जिसमें एसी नहीं है वो आपको 600 प्लस जीएसटी मिलेगा यदि आप प्राइवेट रूम लेना चाहते हैं। और अभी हम सेकेंड फ्लोर पे हैं, द्वितीय मंजिल। इसमें भी 9 नंबर डॉर्मेट्री है, और इधर 4 से 8 भी डॉर्मेट्री है, और इधर ऑफिस है और कमरे हैं 1 से 6 नंबर। ये सेकेंड फ्लोर है। आइए और नीचे चलते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर पे आपको रेस्टोरेंट भी मिल जाता है, कैंटीन भी है, चाय नाश्ता खाना आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये कैंटीन यहाँ का। आप चाय नाश्ता खाना यहाँ खा सकते हैं। पराठा वगैरह आपको सब यहाँ पर मिल जाता है। अभी सुबह का टाइम है तो मैंने नाश्ते का ही ऑर्डर दिया है, 40 रुपये का आलू पराठा, और उसके साथ में दही अलग से मिलेगा, और चाय वगैरह जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। और ये आलू पराठा आ गया हमारा, खा लेते हैं, फिर आगे का मैं आपको जानकारी देता हूँ। और ये यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री का रेट दे रखा है, किसानों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है, 50% में रह सकते हैं, बाकी लोगों को रीजनेबल प्राइस बाकी लोगों के लिए। और ये यहाँ का रिसेप्शन पे आपको अलग अलग तरह से चीज़ें लिखी हुई दिख जाएंगी। और ये रिसेप्शन का काउंटर यहाँ का। प्रभुलाल सैनी जी ने इसका उद्घाटन किया था, कृषि मंत्री थे पीछे वसुंधरा की सरकार में। और ये यहाँ का पूरा हिसाब किताब। और ये पावटा चौराहा, और ये साथ में ही हॉस्पिटल, और ये किसान भवन। पावटा चौराहे के ऊपर ही आपको आने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी यहाँ के लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।